Hi everyone. So let me just check whether the session is running fine or not, whether the audio and video both are fine or not. Wait a minute. So hi everyone. So it's all good. Okay. So this is a series, this is a 5-lecture series on map-based most expected MCQs. Map-based most expected MCQs हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं. Yes, in the last session जो इसका हुआ था उसमें हमने discuss किए थे कुछ सारे MCQs and like हमने बात की थी the largest continent, largest country in the African continent और भी कई सारी चीजें हमने discuss किए थे. Map-based portion हमने discuss किए थे. Also, one important thing I want to tell you that I'm also taking live classes on Unacademy Plus website. Unacademy Plus पर भी मैं live classes ले रही हूँ, तो आप वो भी join कर सकते हो. There are basically two subjects जो कि मैं पढ़ा रही हूँ. One is dealing with Indian geography and the other one is dealing with physical geography. So Indian geography and physical geography की दो classes जो है, दो कोर्सेज मेरे चल रहे हैं. आप अनअकैडमी प्लस की वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर माय कोर्सेज एंड फॉर अदर कोर्सेज एज वेल. देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस वेबसाइट एंड टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज है, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज है. यू कैन सब्सक्राइब टू ऑल द कोर्सेज. देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल: मंथली सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन एंड हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन. तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर दैट एज वेल. So let's start the session. So this is the question, we have already done it. ये वाला question हम पहले कर चुके हैं. Please wait a minute, let me just check whether why the pen is not running. Actually pen काम नहीं कर रहा है, तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि what is the exact issue. Wait a minute. So all fine now. Thanks a lot. Thanks for your patience and I'm really really sorry for being late. So next question आपका है. देखो हमने अफ्रीका की टोपोग्राफी, अफ्रीका की ज्योग्राफी की बात की थी. माउंट किलिमंजारो आर द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका एंड दिस इज ऑल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट इट, ऑल दिस लेक्स. देर आर ए लॉट ऑफ लेक्स प्रेजेंट इन अफ्रीका. अफ्रीका में कई सारी लेक्स हैं, हमने बात की थी. एंड देर आर सम इम्पोर्टेंट रिवर्स, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट रिवर है नाइल रिवर. नाइल रिवर ऐसी रिवर है जो मेडिट्रेनियन सी में ड्रेन करती है. बाकी जो सारी रिवर्स हैं, आइदर दे ड्रेन इनटू द अटलांटिक ओशियन और दे ड्रेन इनटू द इंडियन ओशियन. कई सारी रिवर्स इंडियन ओशियन में ड्रेन करती हैं, जैसे जाम्बेजी रिवर है और नाइजर रिवर है, वो अटलांटिक ओशियन में ड्रेन करती है. बट नाइल रिवर जो है वो मेडिट्रेनियन ओशियन में ड्रेन करती है. ओके. सो नाइल रिवर निकलती कहाँ से है, मैंने आपको बताया था. प्लीज टेल मी, देर आर टू रिवर्स जो कि नाइल रिवर बनाती है. वन इज नोन एज द व्हाइट नाइल प्लस ब्लू नाइल. यू टेल मी व्हाइट नाइल कहाँ से निकलती है और ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है. इन द लास्ट लेसन आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द नाइल रिवर. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेसन में. एंड देर आर ए लॉट ऑफ लेक्स एज वेल. जैसे ये लेक तुर्काना है, तो आपको नॉर्थ टू साउथ पे अरेंज करना आ सकता है. इसके बाद ये लेक एल्बर्ट है, दिस इज लेक एडवर्ड एंड दिस इज लेक क्यू एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक, दिस इज लेक तंगनाइका. इट इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ
तंजानिया एंड डीआरसी, तंजानिया और डीआरसी के बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है। इसके अलावा लेक मोएरू यहाँ पर जाम्बिया के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर लेक मालवी है, इसको लेक न्यासा भी बोला जाता है, लेक न्यासा या लेक मालवी इसको बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। जाम्बेजी रिवर क्यों फेमस है? बिकॉज हाइएस्ट, इसके ऊपर जो वॉटरफॉल है वो हाइएस्ट है, हाइएस्ट सम ऑफ द हाइएस्ट वॉटरफॉल जो इसके ऊपर लोकेटेड है, इवन हायर देन नियाग्रा वॉटरफॉल्स जो कि यूएसए के अंदर है। ओके, व्हाइट नाइल फ्रॉम लेक विक्टोरिया एंड ब्लू नाइल फ्रॉम लेक तना, यस दैट्स राइट। सो यहाँ पर ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। और ये नाइजर रिवर है, देखो जो आपके सारा माउंटेन्स है वहां से बस दो ही रिवर पास होती है, तो ये भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। आपके जो सारा माउंटेन्स है, विच इज द हाईएस्ट एरिड रीजन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट एरिड रीजन कौन सा होता है? जहां पर रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। तो आपके यहाँ से लेकर, ये आपका वेस्टर्न सारा वाला पार्ट है, यहाँ से आगे तक जो आपका यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपके सारा रीजन जो है वो एक्सटेंड होता है। और दो ही रिवर्स है जो कि सारा में को कवर करती है, एक तो नाइजर रिवर है और एक नाइल रिवर है। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि सारा डेजर्ट से होकर गुजरती है, विच इज द हाइएस्ट टॉपमोस्ट एरिड रीजन इन द वर्ल्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी रिवर कहाँ ड्रेन करती है। फॉर इंस्टांस नाइल रिवर का मैंने आपको बता दिया था, कोंगो रिवर इट ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशन, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कोंगो रिवर जो है अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये डीआरसी का है, तो डीआरसी इज नॉट ए लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड नहीं है, इसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो यहाँ पर ड्रेन करता है, इसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो कोस्ट के ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पर एक नाइजर रिवर ये ऊपर से जाती है, ये भी अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। आप मुझे बताओ इस कंट्री का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री, हमने लास्ट लेसन में कवर किया था। ये दो कंट्रीज जो है यहाँ पर, इनके नेम्स बताओ मुझे। रिसेंटली इसने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स को रिसेंटली रीजॉइन किया है, क्योंकि पहले ये कॉमनवेल्थ नेशंस को इसने रीजॉइन किया है, पहले इसने विड्रॉ कर लिया था। तो टेल मी द नेम ऑफ दिस कंट्रीज, देयर आर टू कंट्रीज मेनली। Not Nigeria. No, this is Gambia. किसी ने सही आंसर दिया, this is Gambia. और ऊपर जो कंट्री है वो सेनेगल है, सेनेगल है, इट इज बाउंडेड बाय सेनेगल ऑन द थ्री साइड, तीन साइड से सेनेगल से बाउंडेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, ये आपका सारा वाला रीजन है। आपको ये पूछ सकते हैं कि सारा जो डेजर्ट है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है, तो यहाँ पर ये सूडान है, चैड है, नाइजर है, माली है, मोरिटानिया है, ये वेस्टर्न सहारा है, और ये मोरक्को से नहीं होता है, अल्जीरिया से होता है, एंड अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, इट इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये लीबिया से होता है, टूनिशिया से होता है, और इजिप्ट से भी होता है, ठीक है। तो ये सारा डेजर्ट है आपका, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। आगे आपका क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, सो यू हैव टू टेल मी विच वन इज करेक्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डज नॉट पास थ्रू दिस कंट्री। सेकेंड ऑप्शन है माउंट कुक, इट इज टॉकिंग अबाउट माउंट कुक, ये चीज याद रखना, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, बोथ आर फॉल्स। सो क्विकली टेल मी द राइट आंसर, बिकॉज लास्ट लेसन में लॉट ऑफ पीपल वर रिक्वेस्टिंग मी कि ज़्यादा तेजी से ऐसे पढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, देर वर ए लॉट ऑफ पॉजेस, तो इसलिए प्लीज टेल मी द राइट आंसर क्विकली।
So Navdeep, B is not the right answer. Basically यहाँ पर जो right answer होगा that would be option number 4. Both are false here. पहले बात तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डज पास थ्रू दिस कंट्री, पास करती है. दूसरी बात, माउंट कुक इज नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया. माउंट कुक इज एक्चुअली द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड. ये न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक है. और इसके बारे में स्पेसिफिक चीज मैं आपको बताऊं तो एक्चुअल में इसकी हाइट ना पहले बहुत ज्यादा थी. हाइट जो इसकी थी, इसकी जो हाइट थी वो पहले ज्यादा थी बट बाद में एक रॉक जो होती इसके सम पार्ट इसका गिर गया था, मतलब इट फेल डाउन. तो उसके बाद इसकी हाइट जो थी बाद में कम हो गई थी, अराउंड समथिंग लाइक, वो आपको नहीं याद रखना है कितनी कम हुई थी. बट माउंट कुक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड, इट डज नॉट बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया. तो और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो यहाँ पर दोनों फॉल्स है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डज पास थ्रू ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है पास करती है. अब मैं यहाँ पर दिखाती हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कौन कौन से कंट्रीज से पास करती है. तो यहाँ पर देखो, तो अगर आप ब्राजील के बारे में कंफ्यूज है तो ब्राजील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास करती है. इक्वेटर भी पास करती है ब्राजील से, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. और ये जो पार्ट है यहाँ पर आप देख रहे हो पैरागुए से पास करती है, बट उरुग्वे से नहीं पास करती है. उरुग्वे नीचे, ठीक है, उरुग्वे से नहीं पास करती है. उसके बाद अर्जेंटीना से करती है. ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो थोड़ी सी ऊपर, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये अर्जेंटीना से ही बिलोंग करता है. तो अर्जेंटीना से पास करती है, चिली से भी पास करती है. और मैंने ये आपको बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है इट इज क्लोजेस्ट टू द अंटार्कटिक पोल. हमारे जो सदर्न पोल से ये वाला जो पॉइंट है इट इज द क्लोजेस्ट. दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर. अब हम आते हैं अफ्रीका के अंदर. अफ्रीका के अंदर पहली बात तो तीनों ही लाइंस पास करती है, इक्वेटर एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. और इसमें ये नामीबिया है, यहाँ पर नामीबिया डेजर्ट भी है. और इसके अलावा साउथ अफ्रीका से पास करती है, और इसके अलावा मोजाम्बिक से पास करती है, और मेडागास्कर से पास करती है. मेडागास्कर इज द फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है. इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ऑस्ट्रेलिया से भी पास करती है. तो दोनों ही फॉल्स है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डज पास थ्रू दिस कंट्री. अब यहाँ पर सेकेंड जो स्टेटमेंट थी दैट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो हाइएस्ट माउंटेन्स है दोज आर माउंट कोजियुस्को. ठीक है, माउंट कोजियुस्को इज द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. दिस आर द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हाइएस्ट पीक है ये. ठीक है, हाइएस्ट माउंटेन है, टॉलेस्ट माउंटेन इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने एक और चीज बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज. ये कंट्रीज की वजह से डिवाइड नहीं, ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कॉन्टिनेंट भी है और एंटायर कंट्री भी है. ये कंट्रीज में नहीं डिवाइडेड है. इसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं जो कि लैंड वाइज डिवीजन जिसमें किया हुआ है कि ये वाला पार्ट डेजर्ट है, ये वाला पार्ट में माउंटेन्स है, तो वो ऐसे डिवाइड. अब आप मुझे, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ. व्हाट इज द लोएस्ट लाइंग एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सबसे लीस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, सबसे लीस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का. दिस इज द थिंग यू हैव टू टेल मी इन द आंसर कमेंट सेक्शन. उसके बाद यहाँ पर माउंट कुक है. ये जो आप रीजन देख रहे हो ना इस टाइप से, ये एक्चुअल में क्या था, इसकी हाइट पहले ज्यादा थी बट लेटर ये रिड्यूस हो गई थी इसकी हाइट. इसका कुछ पार्ट जो था वो इट फेल डाउन, उसकी वजह से हाइट रिड्यूस हो गई थी. इसलिए ये ऐसे नाइफ के जैसे लगता है, मतलब जैसे कुछ एज उसका काटा हुआ है उस टाइप से ये दिखता है. ठीक है, तो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर. आगे आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू द इंडियन ज्योग्राफी. आगे क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू अटेंड दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट इज करेक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है INO के बारे में, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट. पहला ऑप्शन है इट इज बींग सेटअप इन द बॉडी वेस्ट हिल्स. तो इतना तो सबको ही पता होगा कि बॉडी वेस्ट हिल्स में ये लोकेटेड है. बट आगे जो स्टेटमेंट है उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना. एट द पोतीपुरम विलेज इन द थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. ओके, द सेकेंड ऑप्शन इज मथिकेटन सोशोला नेशनल पार्क इन इदुकी डिस्ट्रिक्ट केरला. इट सिचुएटेड विद इन द 5 किलोमीटर फ्रॉम द प्रोजेक्ट साइट.
Project site. Only one is true, only two is true, both are true, both are false. So quickly tell me the right answer. पहली बात तो मुझे बताओ कि जो ये बॉडी वेस्ट हिल्स है आइदर दे आर लोकेटेड इन केरला और तमिलनाडु, ये कहां पर लोकेटेड है? ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. हाँ विलेज में डेफिनेटली वहीं पर कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि और कहीं पर तो, वैसे भी अगर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट जो कि न्यूट्रिनोज रिसर्च के लिए है, ये वही है जो लैंड के अंदर अंडरग्राउंड जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई है इंडिया बेस्ड. तो आपको इसका मैं इसका आंसर बताती हूँ. एक्चुअली इसमें दो, ओनली टू इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू. मथिकेटन चोला नेशनल पार्क, पहली बात तो यस इट बिलोंग्स टू इदुकी डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर कई सारे एलिफेंट्स पाए जाते हैं. ज्यादा फेमस नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि मतलब शोला नेशनल पार्क है वहां पर. आपको पता है कि आपके जो शोला फॉरेस्ट है दोज आर स्कैटर्ड ओवर थ्री एरियाज, मेनली केरला वाला एरिया है, कर्नाटका वाला एरिया और तमिलनाडु वाला एरिया. जो सदर्न पार्ट है सह्याद्री का, सह्याद्री जो आपके वेस्टर्न घाट्स है तो उसके अंदर ये लोकेटेड है. शोला ग्रासलैंड्स यहाँ पर है, ठीक है, शोला ग्रासलैंड्स. तो वहां पर मथिकेटन शोला नेशनल पार्क लोकेटेड है इदुकी डिस्ट्रिक्ट में, विद इन 5 किलोमीटर ये सिचुएटेड है फ्रॉम द प्रोजेक्ट साइट. तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इट दिस पर्टिकुलर विलेज इज नॉट लोकेटेड इन केरला, इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु. ये तमिलनाडु के अंदर है, इट इज नॉट इन केरला. दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. बोडी वेस्ट हिल्स जो है इसके अंदर एक अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है जो कि न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए, एंड दिस इज द ओनली इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट. न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आपको पता है स्मॉलर होते हैं, इवन स्मॉलर देन एनी पार्टिकल ये होते हैं, ठीक है. तो तमिलनाडु के अंदर है ये, नॉट इन केरला. तो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. उसके बाद ये मथिकेटन सोला नेशनल पार्क है. इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे, ऑब्वियसली क्योंकि वेस्टर्न घाट्स एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो यहाँ पर आपका एक होमवर्क है. आप मुझे बताओ सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ वेस्टर्न घाट्स अलोंग विद देयर IUCN स्टेटस. वेस्टर्न घाट्स के एंडेमिक स्पीसीज कौन से हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मथिकेटन शोला नेशनल पार्क है, इससे 5 किलोमीटर, विद इन 5 किलोमीटर इट इज सिचुएटेड और ये केरला के अंदर है. ये आपको याद रखना, नेशनल पार्क है ये, इदुकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला स्टेट, बिलोंग्स टू सदर्न इंडिया, वेस्टर्न सह्याद्री, सदर्न सह्याद्री से बिलोंग करता है, सह्याद्री विच आर योर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है. अदर ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा. आगे ये क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट. ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. इफ यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू लखनऊ, आपको चेन्नई से लखनऊ जाना है, मींस आपको तमिलनाडु से यूपी जाना है, ठीक है, तमिलनाडु से यूपी आपको ट्रेवल करना है. व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब कम से कम नंबर ऑफ स्टेट्स आपको कवर करने चाहिए, यू विल हैव टू ट्रेवल थ्रू. कितने नंबर कितने कम से कम नंबर ऑफ स्टेट्स आपको कवर करने पड़ेंगे, प्रोवाइडेड यू आर ऑल्सो काउंटिंग तमिलनाडु, आप तमिलनाडु को भी काउंट कर रहे हो. तो लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स कितने पास करने पड़ेंगे, 4, 3, 5, 6. नीलगिरी टार, यस वेरी इंपॉर्टेंट विकास, नीलगिरी टार इज इन एंडेंजर्ड IUCN कैटेगरी, यस. लायन टेल्ड मकाक भी है, लायन टेल्ड मकाक है, नीलगिरी टार है, पेंथेरा टाइगर्स है, टाइगर्स के लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे कि टी क्रॉस 2 है. आप मुझे बताओ उसमें टाइगर्स की पॉपुलेशन डबल करनी है टिल वैन, कब तक टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो डबल करनी है. इसके अलावा आपके मैं करंट अफेयर्स में बता देती हूँ, CATS प्रोग्राम है, उसके अलावा आपका ग्लोबल टाइगर फोरम है जो कि ओनली फोरम है
इसके लिए टाइगर कंजर्वेशन के लिए, तो ये करंट अफेयर्स में था, न्यूज में था. ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रेट्स यू हैव टू क्रॉस, आपको लीस्ट मतलब कुछ भी आप गैस लगा रहे हो, थ्री कैसे हो सकता है, मतलब जो लोग थ्री बोल रहे हैं एक लिस्ट नंबर है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि तीन होगा. अब ये तो यहाँ पर आपको क्या काम आएगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट्स के बाउंड्री लगती है. पहले बात तो आपको पता होना चाहिए, 2023 इज नॉट द राइट आंसर, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट्स के बाउंड्री लगती है. फाइव तो किसी भी तरीके इंक्लूडिंग तमिलनाडु, यस फोर इंक्लूडिंग तमिलनाडु, शिवानी कृष्णा एंड लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन द राइट आंसर, अनुभव हैज गिवन द राइट आंसर, यस फोर इज द राइट आंसर बेसिकली. तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा. यहाँ पर आप कंफ्यूज किस में हो रहे हैं, देखो आपको तमिलनाडु से जाना है, तमिलनाडु से आपको लखनऊ जाना है. ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली सीधा सा हिसाब था कि तमिलनाडु से आप आंध्र प्रदेश ये कवर करोगे, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद सीधा लखनऊ, डायरेक्टली दिस. आपको कंफ्यूजन यहाँ होगी कि वेदर यूपी टचेस बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ और नॉट. तो कल ही मैंने आपको बताई थी कि एमपी से झारखंड की बाउंड्री नहीं लगती है क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ आ जाता है. ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, मैंने पिछले लेसन में ही सारा कुछ आपको बताया था इसके बारे में. एमपी जो है इट डज नॉट टच बॉर्डर ऑफ झारखंड बिकॉज बीच में छत्तीसगढ़ की बाउंड्री है. तमिलनाडु आंध्र प्रदेश झारखंड, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, मैंने आपको बताया था लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आपको क्रॉस करने पड़ेंगे इफ यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू लखनऊ. सो फोर वुड बी द राइट आंसर, फोर वुड बी द राइट आंसर. यस आई एम रियली सॉरी, ये पहले का मैप है, ये पहले का मैप है, इट इज ये पहले का मैप लिया हुआ है. ओके, आगे आपका है वेयर विल यू फाइंड कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट जो है कुरोशियो करंट कहाँ मिलेगी आपको, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन. नॉर्थ पैसिफिक, somebody say साउथ पैसिफिक क्वेश्चन. सो द राइट आंसर वुड बी ए, यस इट इज नॉट, इट इज प्रेजेंट, इट इज फाउंड इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन. तो आपको करंट्स का पता है ना, मेजर ओशनिक करंट्स, तो इसमें ये होता है बी इज नॉट द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर. ओके, ए राइट आंसर है, नॉर्थ पैसिफिक में यहां पर ये पाई जाती है कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट, एंड इट इज ए वार्म करंट, ये वार्म करंट है. आपको पता है इक्वेटर से जो करंट जाती है वो गर्म पानी लेकर जाती है क्योंकि इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट हीट पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो टेम्परेचर वहां पर ज्यादा होता है. तो कुरोशियो करंट नीचे से आती है ऊपर, सो इट इज ए वार्म करंट, ये वार्म करंट है. ऊपर से ओयोशियो करंट आती है, वो कोल्ड करंट है, नॉर्थ पैसिफिक की करंट है, ऊपर से ओयोशियो करंट आती है. ये सिमिलर चीज है जैसे यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम है, सेम ही चीज है जैसे यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम भी नीचे से आ रही होती है, ये वार्म करंट है. तो आपको ये सारी चीजें पता है ना कि ये सारी करंट्स का जो सर्कल होता है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिस आर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर.
तो यहाँ पर ये सारी करंट्स है, ये सारी आपको पता होंगी। जो आपका एलनीनो होता है, एलनीनो लानिनो वाली सिचुएशन होती है, एलनीनो लानिनो, वो इस पेरू करंट की वजह से होती है। पेरू एक्चुअल में ठंडी करंट होती है, ये नीचे से आती है, पोल से आती है पेरू, और ये इधर साउथ अमेरिका के कोस्ट के ऊपर ये चलती है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर। तो एलनीनो के अंदर तो क्या होता है, ये पेरू करंट हल्की सी वार्म हो जाती है, पेरू करंट जो कि यूजुअली एक कोल्ड करंट होती है, ये हल्की सी वार्म हो जाती है। जब लानिनो वाली सिचुएशन होती है तब ये ठंडी हो जाती है, ठंडी ही रहती है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है लानिना वाली। और एलनीनो और लानिना का क्या इन्फ्लुएंस होता है, वो इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करते हैं, इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करते हैं बहुत, ठीक है। तो वो चीज़ें आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हो, इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट में, कि मॉनसून कैसे आती है, क्या क्या उसको अफेक्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेसन में, ओके। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो ओयोशियो करंट जो है वो ऊपर से आती है, और ये कुरोशियो करंट है, ठीक है, कुरोशियो करंट वार्म करंट है इसके बाद, ठीक है। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। आगे आता है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में है। पहला ऑप्शन है जबल सौदा इज द हाईएस्ट पॉइंट इन यूएई, जबल सौदा इज द हाईएस्ट पॉइंट इन यूएई। सेकेंड ऑप्शन इज द लार्जेस्ट एमिरेट, दैट इज अबू धाबी, अकाउंट्स फॉर 87% ऑफ द यूएईज टोटल एरिया। only 1 is true, only 2 is true, both are true, both are false. So which of the following is true about UAE? Yes, El Nino की वजह से rainfall कम होती है, La Nina में थोड़ी सी flooding वाली situation होती है। Current के courses अभी launch होंगे, सो आप यूएई के बारे में बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Neither any so, पहली बात तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है अबू धाबी, यस इट इज द लार्जेस्ट कंट्री, इट इज द लार्जेस्ट एमिरेट्स इन यूएई, लार्जेस्ट है एंड इट इज ऑल्सो द कैपिटल भी है एंड लार्जेस्ट भी, एंड यस इट कंसिस्ट ऑफ 87% ऑफ यूएई टोटल एरिया। तो आप सोच सकते हो ये लार्जेस्ट है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है देखो ये अबू धाबी जो है कैपिटल है, इट अकाउंट्स फॉर 87% ऑफ द यूएई टोटल एरिया, तो ये टोटल एरिया इसका 87% ही है, यहाँ पर ये मार्क गलत किया हुआ है। यस इट इज द लार्जेस्ट, अप्रोक्सीमेटली इट इज 87% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द फेडरेशन। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है इट वुड बी करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट होगी, ठीक है। ओके एंड इफ इट, ये यहाँ पर आगे बात कर रहा है कि जबल सौदा जो है इट इज नॉट द पीक इन यूएई, ये यूएई के अंदर नहीं है, ये सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो शायद आपको यहाँ पर इनकरेक्ट बताना था, आई फॉरगॉट टू राइट इनकरेक्ट, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना था, सो दैट इज वाई ओनली वन इज ट्रू, अदरवाइज सेकेंड वन इज ट्रू। लार्जेस्ट एमिरेट जो है दैट इज अबू धाबी, इट कंसिस्ट ऑफ 87% ऑफ द टोटल यूएई एरिया, तो सेकेंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। यूएई की बात करें तो वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है, इसके बाउंड्री किसके से लगती है, नीचे ओमान से लगती है
और इधर सऊदी अरेबिया से लगती है, इसके इधर ये कतर लोकेटेड है, इसके अदर इधर कतर है, आगे बहरीन, कुवैत, ये सब लोकेटेड है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया ओमान से इसकी बाउंड्री लगती है, टच होती है। आगे हम पढ़ते हैं यूएई का, यूएई इंपॉर्टेंट क्यों है। यूएई ऑयल रिजर्व्स आर द सेवंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, व्हाइल इट्स नेचुरल गैस रिजर्व्स आर द वर्ल्ड सेवनटींथ लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्वॉयर्स हैं, और ऑयल रिजर्व्स जो है वो सेवंथ लार्जेस्ट है। हम लोग भी इंपोर्ट करते हैं यहाँ से ऑयल। यूएई इकोनॉमी इज कंसिडर टू बी द मोस्ट डाइवर्सिफाइड इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। आप मुझे बताओ जीसीसी के मेंबर कंट्रीज के नाम बताओ मुझे, जीसीसी के मेंबर कंट्रीज के। ओके, इसके जो मोस्ट पॉपुलस सिटी है दैट इज दुबई, मोस्ट पॉपुलस जो है वो तो दुबई है, बट जो अबू धाबी है उसका लार्जेस्ट एरिया है, अबू धाबी का एरिया जो है वो लार्जेस्ट है, और वैसे मोस्ट पॉपुलस सिटी है दैट इज दुबई। आगे आपका क्वेश्चन आता है, आगे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। भसान चार आइलैंड इज वॉज इन द न्यूज रिसेंटली फॉर व्हाट रीजन, भसान चार आइलैंड ये क्यों न्यूज में था। पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर लोकेटेड है, उसके बाद ये न्यूज में क्यों था। फर्स्ट ऑप्शन इज बांग्लादेश का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट विल बी बिल्ट देयर, पहला न्यूक्लियर प्लांट वहां पर बनाया जाएगा। बांग्लादेश विल मेक एशियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क देयर, बांग्लादेश गिफ्टेड दैट आइलैंड टू चाइना। उसके बाद बांग्लादेश विल यूज दैट आइलैंड फॉर रोहिंग्या रिफ्यूजीज, सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर। So tell me the right answer of this question. Isolated island है Bay of Bengal में, हाँ सही है। तो ये use किस लिए किया गया है, इसकी location तो आपने बता दी, but यहाँ पर use किस लिए किया जा रहा है इसको। B is not the right answer. ये न्यूज में था, इसका तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। Yes, Deepak has given the right answer. Deepak, Hina, Navdeep all have given the right answer. Fourth one is the right answer. Bangladesh इस island को use कर रहा है। This is a isolated island है, located है Bay of Bengal region में। Bangladesh इसको use करेगा for Rohingya refugees. Rohingya refugees को वहां पर locate करने के लिए, asylum देने के लिए इसको use कर रहा है, भसान चार island। हालांकि उनकी condition यहाँ पर काफी खराब होगी, क्योंकि यहाँ पर delta बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र का delta यहाँ पर बनता है, तो थोड़ा सा मड्डी island है और मार्शी सा area है यहाँ पर, और वैसे ये isolated है, अभी तक यहाँ पर कोई uninhabited है, कोई रहता नहीं है वैसे, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेपाल, नेपाल के बारे में। बांग्लादेश इज ज्योग्राफिकली क्लोजर टू नेपाल एज कम्पेयर टू भूटान, मतलब बांग्लादेश ज्यादा क्लोजर है एज कम्पेयर टू भूटान। नेपाल इज 1126 माइल्स फार अवे फ्रॉम द सी लेवल, ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स। तो यहां पर बताओ मुझे कौन सा आंसर सही आंसर होगा। ओनली टू वाला तो पता नहीं, फर्स्ट तो गलत है। यस फर्स्ट, आप मुझे बताओ क्या सही है इसमें। बांग्लादेश इज ज्योग्राफिकली क्लोजर टू नेपाल एज कंपेयर टू भूटान।
Okay, so the next question is, in which Indian river, कौन से river के ऊपर शिवनसमुद्रम waterfalls are situated? शिवनसमुद्रम waterfalls कौन से river के ऊपर है? ठीक है, तो यहाँ पर options है कावेरी, ब्राह्मणी, गोदावरी and कृष्णा river. So tell me the right answer on which Indian river is Shivanasmundaram waterfalls located. तो इसका तो आपको पता है, यस कावेरी इज द राइट आंसर. कावेरी इज द राइट आंसर यहाँ पर. तो शिवनसमुद्रम वॉटरफॉल्स यहाँ पर लोकेटेड है. इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये कि यहाँ पर बहुत अर्लीस्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थी, एशिया का अर्लीस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर सेटअप किया गया था. ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, यहाँ पर एक आइलैंड टाउन भी है. आइलैंड टाउन भी है यहाँ पर, इन फॉल्स के यहीं पर लोकेटेड है. तो आइलैंड टाउन है जो कि फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड टाउन है. और ये जो फॉल्स है ये दो उसमें डिवाइडेड है. एक ऊपर वाले को बोलते हैं गगन चुक्की वाटरफॉल्स, गगन चुक्की, और नीचे वाले को बोलते हैं बारा चुक्की वाटरफॉल्स. तो ये दोनों ही कंबाइन होकर ये एंटायर जो है शिवनसमुद्रम वाटरफॉल्स है. तो ये उसी के पार्ट है. और वैसे ये कावेरी रिवर के अंदर, कावेरी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, कर्नाटका के अंदर. ठीक है, कर्नाटका के ऊपर ये लोकेटेड है. आप मुझे बताओ कि कावेरी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम बताओ, एक डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम बताओ कावेरी की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर विद इजराइल. यहां पर सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान, इनमें से कौन से कंट्रीज इजराइल के साथ बॉर्डर नहीं बनाते हैं. ऑडियो इज फाइन फ्रॉम माई साइड, आप प्लीज ट्राई टू रिफ्रेश ना. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर विद इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान. द राइट आंसर इज इराक. इराक इसका राइट आंसर है. एक बात बताओ मुझे, इजराइल इधर ये, लेबनान इधर लोकेटेड है. ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ लेबनान, और ये जो पार्ट है ये सीरिया का है. और ये जो टेरिटरी है, दिस इज नोन एज द गोलान हाइट्स. ये जो आपकी टेरिटरी है ये गोलान हाइट्स है. अर्लियर इट वॉज ए पार्ट ऑफ सीरिया. पहले ये सीरिया का पार्ट था, बट नाउ इट इज इजराइली ऑक्यूपाइड. अब ये इजराइली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है. इसराइल ने इसको ऑक्यूपाई किया था 1967 में. सिक्स डेज वॉर हुई थी. ठीक है, तब ये ऑक्यूपाई किया गया था. तो नाउ इट इज अंडर द इसराइल टेरिटरी. ये इसराइल के अंदर आता है, इसराइली ऑक्यूपाइड है. ये गोलान हाइट्स का ही क्वेश्चन आया था 2014 में. ये यही वाला एरिया है. ठीक है, इसके अलावा जॉर्डन बीच में आ जाता है, इसलिए इराक के साथ इसकी बाउंड्री नहीं लगती है. इराक यहाँ पर है. वैसे इराक की कैपिटल है बगदाद. बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक. तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये इराक का है. बीच में जॉर्डन आ जाता है, तो यहाँ पर इसराइल के साथ बॉर्डर नहीं लगता है. यहाँ पर एक रिवर है जो कि इम्पोर्टेंट रिवर है, जिसका नाम है जॉर्डन रिवर. जॉर्डन रिवर है यहाँ पर, उसी की वजह से इसका नाम जॉर्डन पड़ा हुआ है. ठीक है, तो वो रिवर ऊपर से आती है और वो यहाँ पर ड्रेन करती है. आप लोगों को पता होगा इस सी का नाम. आप मुझे बताओ ये कौन सी सी है, कौन सी लेक है. वैसे ये इसको सी नहीं बोल सकते हैं, तो आप मुझे बताओ ये इसका नाम क्या है. इसके अलावा यहाँ पर ही जॉर्डन रिवर आकर ड्रेन करती है.
इसीलिए इसके वेस्टर्न पार्ट को वेस्ट बैंक नाम दिया गया और इसका जो ईस्टर्न पार्ट था उसको जॉर्डन नाम दिया गया था. ठीक है, तो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर. आपके और बाकी ऑप्शंस क्या क्या थे? सीरिया, जॉर्डन. देखो जॉर्डन तो आपको पता था, ऑब्वियस था. इराक, इराक भी वैसे ऑब्वियस ही था क्योंकि अगर आपको पता होता कि बीच में जॉर्डन है उसके बाद इराक आता है तो यू कुड हैव अटेम्प्टेड दिस. अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ना मैप समझने की कोशिश करो. ये इधर इराक है, इधर ये कुवैत है जो मैंने अभी आपको गल्फ कंट्रीज समझाए थे. नीचे यहाँ पर सऊदी अरेबिया, रियाद इज द कैपिटल. When we talk about the capital cities of important countries जो कि न्यूज में रहते हैं, देखो ये वेस्ट एशिया वाला पार्ट, वैसे भी ये मिडल ईस्ट वाला पार्ट है, ये वेस्ट एशिया, ये सारा न्यूज में रहता है तो आपको इनका सारा पता होना चाहिए कौन सी कहाँ पर लोकेटेड है, इनकी कैपिटल सिटीज कहाँ पर है और बाउंड्री किस किस की टच होती है वो भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसराइल की सऊदी अरेबिया से भी बाउंड्री नहीं लगती है क्योंकि जॉर्डन बीच में आ जाता है, जॉर्डन यहाँ पर बीच में आ जाता है इसलिए अरेबिया से भी बाउंड्रीज की नहीं टच होती है. ये जो पार्ट है ये सिनाई पेनिनसुला है. मैंने आपको बताया था, सॉरी नॉट आपको बताया था, क्लास में पढ़ाया था मैंने कि पेनिनसुला क्या होता है. पेनिनसुला एक्चुअल में एक साइड से तो लैंड मास से कनेक्टेड होता है और नीचे से ऐसा लगता है कि नीचे से पानी में घुसा हुआ होता है. जैसे इसका एक पार्ट जो है वो वाटर के अंदर है और बाकी सारा पार्ट जो है वो लैंड मास से कनेक्टेड है. सो ये पेनिनसुला है, ये इजिप्ट का पार्ट है. 1967 में ये भी इसराइल ने ऑक्यूपाई किया था, 1967 में. आप इस कोर्स की सारी सीरीज जब आप अटेंड करोगे तो इसमें वो सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कवर करूंगी क्या क्या चीजें हुई थी. यस, डेड सी इज द राइट आंसर. व्हाई इट इज नोन एज डेड सी? इसको डेड सी क्यों बोलते हैं आप मुझे बताओ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई इट इज नोन एज डेड सी? डेड सी ही क्यों बोलते हैं? Why it is known as Dead Sea? Yes, hypersaline. ये जो लेक है hypersaline लेक है. ये hypersaline कोई एक चीज होती है, इसका मतलब उसकी salinity बहुत ज्यादा है. It is considered of the saltiest lake of the world. और ये लेक है, it is not a sea. जैसे कि मैंने आपको बताया था Caspian Sea के बारे में, जिसकी बाउंड्री, जिस वाटर बॉडी की बाउंड्री बड़े किसी ओशन में कनेक्टेड नहीं है, बड़े किसी ओशन में अगर वो ओपन नहीं होती है, इट मीन्स इट इज ए लेक. एंड दैट इज वाई कैस्पियन सी, ये सब अराल सी, ये सब लेक है. ये जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. और इसकी जो सैलिनिटी है दैट इज आई गेस 34% जो है सैलाइन है ये. और इसीलिए यहाँ पर कोई मरीन स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. मरीन स्पीसीज जो होते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, दैट इज वाई यहाँ पर मर जाते हैं, इसीलिए इसको डेड सी बोला जाता है. प्रिवेंट माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सच एज फिश फ्रॉम लिविंग इन इट्स दो थ्रू बैक्टीरियाज. यस दैट्स राइट, यस दो बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, दैट्स राइट नवदीप. तो इसीलिए इसको डेड सी नाम दिया गया था. अब यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है. करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे होंगे तो एक इंडिया में एक स्पीसीज है जिसको सबसे बड़ा थ्रेट है हाइपर सैलिनिटी. हाइपर सैलाइन वाटर में वो सर्वाइव नहीं कर सकती है. तो आप मुझे बताओ कि वो स्पीसीज का नाम क्या है. सैलिनिटी जो है इट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू दैट पर्टिकुलर स्पीसीज. सैलिनिटी जो है वो बिगेस्ट थ्रेट है उस स्पीसीज को. ठीक है, यस 34% 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग. आगे आपका क्वेश्चन आता है, डेड सी इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन. डेड सी किस किस के बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है? जॉर्डन एंड इराक, लेबनान एंड इराक, जॉर्डन एंड इसराइल, सीरिया एंड जॉर्डन. अभी अभी हमने पढ़ा था. यस डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन राइट आंसर. ओके, यहाँ पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ करंट अफेयर से. प्रोजेक्ट गोडावन किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट गोडावन किससे रिलेटेड है? किस स्पीसीज से रिलेटेड है प्रोजेक्ट गोडावन?
सो यहाँ पर बताओ डेड सी इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन जॉर्डन एंड इराक, लेबनान एंड इराक एंड जॉर्डन एंड इसराइल, सीरिया एंड जॉर्डन. यस, जॉर्डन एंड इसराइल के बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है, हमने अभी अभी डिस्कस किया है. इट इज कंसिडर्ड, इट इज ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, लो लाइंग एरिया, इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ. ये जो लेक है लोएस्ट पॉइंट है अर्थ के ऊपर. अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, वैसे उस पिक्चर में क्लियर था, इधर ये जॉर्डन है, इधर इसराइल है, तो ये जॉर्डन और इसराइल के बीच में लोकेटेड है. द ओनली ट्रिब्यूटरी जो कि डेड सी के अंदर ड्रेन करती है, ओनली रिवर, दैट इज जॉर्डन रिवर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जॉर्डन रिवर ड्रेन्स इनटू डेड सी, डेड सी में ड्रेन करती है. तो सम टाइम्स इट इज ऑल्सो सेड कि जॉर्डन रिवर इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ डेड सी, ये भी बोला जाता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना. ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ए कोस्टल बॉर्डर विद रेड सी, किस किस का कोस्टल बॉर्डर रेड सी से लगता है, इथियोपिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान. कौन सी कंट्री हैज कोस्टल बॉर्डर, इसका मतलब है कोस्ट किससे टच होता है रेड सी से, किसका टच होता है, इथियोपिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान. स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, केवलादेव. यस, प्रोजेक्ट गोदावरी इज रिलेटेड टू ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, और वैसे तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है, वैसे कर्नाटका में भी मिलती है कर्नाटक, बट आपको पर्टिकुलरली याद रखना है राजस्थान का. इससे रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं, प्रोजेक्ट गोदावरी है और भी है. ठीक है, ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, पहली बात तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए रेड सी कहाँ पर लोकेटेड है, उसके बाद आप बता पाओगे इथियोपिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान. यस, सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो पार्ट है ये रेड सी है, ये रेड सी है, इधर आपका सऊदी अरेबिया है. एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर मुस्लिम्स के रिलीजियस प्लेसेस है, इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस जो मक्का और मदीना है. मक्का और मदीना के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखना, मक्का जो है यहाँ पर कोस्ट के ऊपर लोकेटेड है, मक्का जो है ये कोस्ट के ऊपर लोकेटेड है, मदीना थोड़ा सा लैंड साइड पर है, लैंडवर्ड साइड पर है, तो ये कोस्ट रेड सी से ही ये कोस्ट जो है वो लगता है. ये सऊदी अरेबिया है, रियाद इज द कैपिटल, और बाकी जो कंट्रीज नाम दिए हुए थे, इराक यहाँ पर है, ओमान ओपन्स इनटू अरेबियन सी, ओमान जो है वो अरेबियन सी में खुलता है. ठीक है, और ये यमन, सऊदी अरेबिया जो ये रेड सी में खोलता है, और वैसे यमन के जो वैसे फ्रंटल कोस्टल देखे तो ये अरेबियन सी में ओपन होता है. यहाँ पर ये गल्फ ईडन है, ईडन इज एन इम्पोर्टेंट सिटी इन यमन, यमन का इम्पोर्टेंट शहर है ईडन, मक्का मदीना. यस, इसके अलावा यहाँ पर ये जो ये लैंडमार्क है और ये लैंडमार्क है और बीच का ये वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी, ये जो नैरो वाटर है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बबल मंदाब. ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं बबल मंदाब कौन कौन से सी को कनेक्ट करता है, तो ये रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जो कि गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर. इसराइल की बाउंड्री यहाँ तक आती है, इसराइल की, ये अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जॉर्डन आ जाता है, तो इसराइल की सऊदी अरेबिया से बाउंड्री टच नहीं होती है. ठीक है, नहीं होती है, और इधर ये वाला ये सुएज कैनाल है इधर, और ये सिनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट के अंदर है, कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, कायरो जो है वो कैपिटल है. इसके अलावा ये सारी चीजें हमने पिछले लेसन में डिस्कस की थी. इसके अलावा रेड सी से और बाउंड्री किस किस की लगती है, इजिप्ट की लगती है, सूडान की लगती है, इरिट्रिया की लगती है. इसके अलावा जिबोती जो है, जिबोती भी कोस्ट के ऊपर है, इसलिए जिबोती लैंड लॉक्ड नहीं है, बट इथियोपिया जो है वो लैंड लॉक्ड है. अगर यहाँ पर जिबोती नहीं होता तब भी इसका को बॉर्डर यहाँ पर लग सकता था, बट नाउ इट इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री, बीच में यहाँ पर जिबोती आ जाता है. ये सोमालिया है, ये होर्न ऑफ अफ्रीका. ओके, नेक्स्ट कम्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पोलावरम प्रोजेक्ट. दिस इज अबाउट पोलावरम प्रोजेक्ट. इनकेस द क्वेश्चन इज नॉट विजिबल देन ट्राई टू लिसन टू मी केयरफुली. जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना. इट इज लोकेटेड ऑन रिवर नर्मदा, पहला ऑप्शन है, इट इज लोकेटेड ऑन रिवर नर्मदा. ये तो आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा करंट अफेयर्स में,
दूसरा ऑप्शन है, इट इज स्प्रेड टू स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड. सो इट कवर्स विच ऑफ द स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड. टू ओनली, वन एंड टू, वन ओनली, नाइदर वन नॉर टू. यस, डी इज द राइट आंसर. बेसिकली ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, इट इज लोकेटेड ऑन गोदावरी रिवर. ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये गोदावरी रिवर के ऊपर लोकेटेड है और ये आंध्र प्रदेश के अंदर है. ये आंध्र प्रदेश के अंदर है. यहाँ पर ये गोदावरी रिवर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ये पोलावरम प्रोजेक्ट जैसे ही यहाँ से गुजरती है, यहीं पर पोलावरम प्रोजेक्ट जो है, पोलावरम डैम यहाँ पर बनाया जा रहा है. वैसे तो मतलब वैसे तो सब सही है, आंध्र प्रदेश के अंदर ही लोकेटेड है, लेकिन डिस्प्यूटेड है, थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, क्योंकि इंद्रावती रिवर एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, जो कि इंद्रावती गोदावरी में आकर मिलती है. इंद्रावती आती कहाँ से है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर ही आती है. इधर ये अमरावती है, आप मुझे रिवर बताओ अमरावती किसके ऊपर लोकेटेड है? कौन सी रिवर है ये? कौन सी रिवर आ रही है पैरेलल टू गोदावरी? पैरेलल टू गोदावरी विच ऑफ विच इज द व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिवर? इधर विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है और अमरावती डिस्ट्रिक्ट भी इसके ऊपर लोकेटेड है. यस, दिस इज कृष्णा रिवर. यहां पर ये कृष्णा रिवर है, ठीक है, इसके पैरेलल चलती है. और गोदावरी कृष्णा का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट. आगे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी? महानदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? अच्छा, कृष्णा रिवर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? वो सम ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? इसके अलावा इधर जो ये विशाखापत्तनम है, ये विशाखापत्तनम ऊपर है गोदावरी के, तो कई बार आपको पता है यूपीएससी अभी लैटिट्यूड वाइज लॉन्गिट्यूड वाइज आपको क्वेश्चंस पूछ रही है, तो उसमें ये चीजें हेल्प कर सकती हैं. तो जैसे एक जूम्ड मैप होता है ना, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो, इंपॉर्टेंट सिटीज कहाँ पर लोकेटेड है. जैसे 2018 में जो क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट सिटीज को आपको अरेंज करना था, तो वैसे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. कृष्णा रिवर की, हाँ, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है अमरावती, इज एक ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है. इसके पैरेलल में रिवर जाती है कृष्णा, आई गेस इट इज नॉट विजिबल हियर. यस, पहले जो कावेरी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है, सबसे पहले है कोयना, कोयना के ऊपर कोयना डैम भी है. कोयना डैम वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना वैसे, मतलब उतना ऐसे नहीं है कि रिवर के नाम से ही डैम है तो आप पहचान सकते हो, बट इस डैम जब ये डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था तो इसकी वजह से अर्थक्वेक आया था वहां पर, तो एक तरह से वो थोड़ा सा वैसा एरिया है. उसके बाद घट परबा है, उसके बाद मल परबा है, उसके बाद तुंगभद्रा रिवर है. तुंगभद्रा रिवर के बाद आपकी मूसी रिवर आ जाती है नीचे, जब ड्रेन करने को होती है कृष्णा, तो लास्ट में मूसी रिवर उसको ज्वाइन करती है, मूसी रिवर उसको ज्वाइन करती है. ओके, यस, भीमा रिवर, भीमा ऊपर से आके मिलती है, तुंगभद्रा जो है वो नीचे से आती है, तो तुंगभद्रा इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, भीम जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है. आगे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी? महानदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? तवी रिवर, तवा रिवर, ब्राह्मणी रिवर, ऑल ऑफ द अबव. Not the tributary of Mahanadi. कौन सी tributary नहीं है Mahanadi की?
Yes, D is the right answer. All of the above are not the tributary of Mahanadi. तो कई लोगों को लगता है कि ब्राह्मणी रिवर जो है वो महानदी की ट्रिब्यूटरी, ऐसा नहीं है. महानदी और ब्राह्मणी जो है वो पैरेलल चलती हैं, पैरेलल चलती है उड़ीसा के अंदर. उड़ीसा की मेजर रिवर है बेसिकली आपकी ईस्टर्न इंडिया की मेजर रिवर है महानदी रिवर. ब्राह्मणी, बैतारणी और महानदी ऐसे जाते हैं. सबसे ऊपर होती है बैतारणी, ऊपर होती है बैतारणी, उसके बाद नीचे जाती है ब्राह्मणी रिवर, उसके पैरेलल ब्राह्मणी जाती है, उसके नीचे जाती है महानदी रिवर. महानदी रिवर उसके पैरेलल जाती है. बट महानदी रिवर जहां पर मिलती है कोस्ट के ऊपर, वहां पर फॉल्स पॉइंट है. इसका जो माउथ है, रिवर का माउथ कहां पर होती है, जहां पर वो ड्रेन करती है ओशन में, वो जो पॉइंट होता है वो रिवर का माउथ होता है. तो यहां पर फॉल्स पॉइंट है. ब्राह्मणी और बैतारणी जहां पर जाकर डेल्टा बनाती है, ये दोनों आगे इसका एक कंबाइंड डेल्टा होता है. डेल्टा वीकेंसी और एस्चुरी होती है एक टाइप से, क्योंकि ज्यादा सेडिमेंट्स नहीं होते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के यहाँ पर ही वो जो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहीं पर लोकेटेड है. भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो सारी लोकेटेड है. यस, तवी रिवर इज इन जम्मू, राइट आ रहा है ना. ये तवी रिवर जो है इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू के अंदर है. और तवा रिवर जो है इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर, ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है. इट इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी. तवा रिजर्वॉयर से ये निकलती है. तवा रिजर्वॉयर इज द सोर्स पॉइंट ऑफ तवा रिवर. ब्राह्मणी रिवर जो है मैंने आपको बता दिया, ये दो रिवर से मिलकर बनती है, साउथ कोयल रिवर प्लस सांक रिवर, साउथ कोयल प्लस सांक रिवर. अब यहाँ पर महानदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं. महानदी जानी किसके लिए जाती है, हीराकुंड डैम, वेरी वेरी फेमस हीराकुंड डैम के लिए जानी जाती है. इट इज लोकेटेड ऑन महानदी रिवर जस्ट व्हेन इट एंटर्स उड़ीसा. जैसे ये उड़ीसा के अंदर एंटर करती है तो उस टाइम पर, जैसे ये उड़ीसा में एंटर करती है, हीराकुंड डैम इज लोकेटेड ऑन महानदी रिवर. अब यहाँ पर आप देखो, ये क्लियर पिक्चर है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ. ओके, सो ये जो आपकी रिवर ऊपर से आ रही है, दिस इज योर बैतारणी रिवर, बैतारणी रिवर है. और ये जो यहाँ पर आ रही है ये ब्राह्मणी रिवर है, ये जो है ये ब्राह्मणी रिवर है. ठीक है, यहाँ पर ये ब्राह्मणी रिवर है. इसके अलावा नीचे जो ये जा रही है ये महानदी रिवर है, ये महानदी रिवर है. एक आपकी जो तालचर सीरीज है, तालचर सीरीज जो कोल बेल्ट है, कोल जहां पर मिलता है, तालचर सीरीज ऑफ उड़ीसा, वो महानदी और ब्राह्मणी के बीच में लोकेटेड है. यहाँ पर लोकेटेड है महानदी और ब्राह्मणी के बीच में. अभी करंट अफेयर्स में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट एक फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा. फर्टिलाइजर प्लांट जिसकी कैपेसिटी होगी वो नीम कोटेड यूरिया को प्रोड्यूस कर सकता है यूजिंग कोल प्लस पेट कोक को यूज करके. पेट कोक, आप मुझे बताओ पेट कोक क्या होता है, पेट कोक क्या होता है, और मुझे ये बताओ कि कितना ग्रीन हाउस गैसेज ये एमिट करता है, कितने परसेंटेज ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल होता है इसका, ग्रीन हाउस गैस एमिट करने का पोटेंशियल होता है, ये भी आप मुझे बताओगे. हाँ, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, हाँ दैट्स राइट, इसकी सारी जो ट्रिब्यूटरीज है, तेल है, मांड है, ईब है, हस्तेव है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार रहता रहता है. उसके अलावा जोंक रिवर है, तेल रिवर है, ऑल दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर. और बाकी यहाँ पर तवा की बात हो रही थी, तवा रिजर्वोयर है यहाँ पर. और ये जो है ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है, यहीं पर इसके पास ही तवा रिजर्वोयर है. और तवा रिजर्वोयर से तवा रिवर निकलती है. और ये जो होशंगाबाद है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज, होशंगाबाद में ये नर्मदा से मिलती है. सो नर्मदा यहाँ पर फ्लो करती है, नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है, इसलिए नर्मदा की डायरेक्शन अरेबियन सी की साइड होती है. सो ये क्या है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तवा इज ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर. ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना, यहाँ से नर्मदा आ रही है, लाइक दिस इज द कोर्स ऑफ नर्मदा, ये कोर्स है नर्मदा रिवर का. होशंगाबाद में तवा रिवर इसको ज्वाइन करती है, उसके बाद ये आगे फ्लो करती है, उसके बाद फाइनली ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी. पेट्रोलियम कोक बाई प्रोडक्ट ऑफ, नॉट द बाई प्रोडक्ट ऑफ यूरिया, बाई प्रोडक्ट ऑफ समथिंग एल्स होता है यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना. इसके अलावा जो बाकी जो चीजें हैं यहाँ पर, ये तवी रिवर है, ये जो है ये तवी रिवर है, आप देख पा रहे हो, दिस इज द बिगर मैप, ये जम्मू के अंदर लोकेटेड है. एक लड़की ने सही आंसर किया था इसका, तवी रिवर इज लोकेटेड इन जम्मू रिवर. ठीक है, और ये मिलती है चेनाब के अंदर, तवी रिवर जो है ये चेनाब के अंदर मिलती है. ठीक है, चेनाब, वैसे भी चेनाब रिवर जो है दो रिवर से मिलकर बनी हुई होती है, एक होती है चंद्रा और एक होती है बागा.
अब मुझे उनके सोर्स पॉइंट बताओ कि कहां कहां से वो निकलते हैं, चंद्रा और बागा। क्वेश्चन इज देयर ऑन अंडमान आइलैंड, अंडमान निकोबार पे भी क्वेश्चन है। देखो दिस इज द एंटायर सीरीज और इसमें देयर विल बी 5 लेसंस, और अगर ये सही गया तो द लेसंस कैन बी एक्सटेंडेड एज वेल बिकॉज क्वेश्चंस उसमें और ज्यादा ऐड हो जाएंगे। तो आप डेली अटेंड करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। इसमें मैं जो करंट में न्यूज में रही है प्लेसेस वो भी हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो स्टैटिक पार्ट है थोड़ा बहुत, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गए, उनकी लोकेशंस, उनके स्पीसीज, वो सब भी साथ में यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। यस, जम्मू तवी ट्रेन, उससे भी आपको याद रह सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये इसके इससे रिलेटेड सारी चीजें पता चल गई। तो यहाँ पर ये महानदी रिवर जैसे उड़ीसा में एंटर करती है, इसके ऊपर हीराकुंड डैम है, और ये जो कटक डिस्ट्रिक्ट है, कटक डिस्ट्रिक्ट में ये कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है ये, और इसके बाद इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो ब्राह्मणी को भी ज्वाइन करती है आगे जाकर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी ज्वाइन करती है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी। आप मुझे उस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम बताना, हालांकि इट इज वेरी रेयर, उसका नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूटरी जो कि ब्राह्मणी को ज्वाइन करती है। इसके अलावा ये सारी ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल रीजन में, और वहां पर जहां पर ये ड्रेन करती है वहां पर महानदी रिवर के माउथ के ऊपर फॉल्स पॉइंट है, और ब्राह्मणी बैतरणी रिवर जो है उसके माउथ के ऊपर भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर लोकेटेड है, जो कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है, ऑल्सो कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहां पर आते हैं, तो उसके प्रिजर्व करने के लिए भी कई सारे एफर्ट्स लिए जाते हैं उड़ीसा में। यस, लाहौल स्पीति वैली, ओके। बारह लाख चला के पास से, अब एक और चीज मुझे बताओ कि आउट ऑफ बारह लाख चला और रोहतांगला पास, बारह लाख चला और रोहतांगला पास, इन दोनों में से विच वन इज ऑन द सदर्न साइड, कौन सा ऊपर नीचे कौन सा है, विच वन इज ऑन द नॉर्थ और विच वन इज ऑन द साउथ सदर्न साइड, कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है। यस, ओलिव रिडले टर्टल्स विजिट देयर। ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसका नाम है प्रोजेक्ट ओलिविया, तो वैसे भी याद रह सकता है वो चीज। सूर्यताल लेक, हाँ सूर्यताल लेक से कौन सी निकलती है, चंद्रा निकलती है, बागा निकलती है। आगे आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मालदीव्स, मालदीव्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज लोकेटेड नियर 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल के पास लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड एट टॉप द चागोस मालदीव्स लक्कादीव रिज, चागोस मालदीव्स लक्कादीव रिज, क्या ये इसके ऊपर लोकेटेड है। यस, रोहतांग इज टू द साउथ, हाँ दैट साइड। Which of the following statements is true about Maldives? First of all, the first statement is it located near 8 degree channel? क्या ये 8 degree channel के पास है? Is it located atop the Chagos Maldives Lakkadive Ridge? कि Chagos Maldives Lakkadive Ridge के ऊपर located है, on the northern side of the Chagos Lakkadive Ridge. तो इसमें बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेट, मैंने इसमें पूछा है इट इज लोकेटेड नियर 8 डिग्री चैनल, नॉट ऑन द 8 डिग्री चैनल, एग्जैक्ट नॉट ऑन द 8 डिग्री चैनल।
यस इट इज लोकेटेड नियर 8 डिग्री चैनल. नियर पूछा, इसमें नियर 8 डिग्री चैनल है ये. और इसके अलावा जो चागोस आर्चिपेलागो है, चागोस जो रिज है वो इसके नीचे ही है. इट इज ऑन द सदर्न साइड ऑफ मालदीव्स, वो मालदीव्स के सदर्न साइड पे ही है. आपका डाउट क्या है, चिलिका लेक में कौन सी रिवर ड्रेन करती है? तो चिलिका लेक में एक महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि ड्रेन करती है. आई गेस द नेम इज भार्गवी रिवर समथिंग, भार्गवी रिवर. इट ड्रेन्स इनटू चिलिका लेक. आगे आपका और क्या है, यस इट इज नियर द 8 डिग्री चैनल. ओके आगे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट पूछा है नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी. कौन सी कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? अमरावती, काबिनी, भवानी, पेन्नेर रिवर. यस पेन्नेर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर. अब यहाँ पर अमरावती है, अर्कावती है, अर्कावती भी ट्रिब्यूटरी है कावेरी की. हेमवती जो है वो भी ट्रिब्यूटरी है, काबिनी ट्रिब्यूटरी है. और इसके अलावा भवानी इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूटरी. इसके अलावा नोयल रिवर है, नोयल रिवर इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी जो कि तमिलनाडु के अंदर मिलती है कावेरी में. आपको बताए कावेरी कहाँ से निकलती है, कावेरी कहाँ से निकलती है? तल कावेरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से. तल कावेरी से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद कर्नाटक से तमिलनाडु में जाती है, वहां पर कई सारे रिवर्स उसको ज्वाइन करती है. आप मुझे बताओ विच ऑफ द फॉल्स आर लोकेटेड, फॉल्स एंड डैम्स ऑन कावेरी रिवर. कौन कौन से फॉल्स एंड कौन कौन से डैम्स जो है वो कावेरी रिवर के ऊपर लोकेटेड है. सो पेन्नेर रिवर जो है ये इसके ट्रिब्यूटरी नहीं है. जैसे यहाँ से कावेरी रिवर आ रही है, ये जो है कावेरी रिवर है, सबसे पहले हेमवती इसको ज्वाइन करती है. यहाँ पर जैसे ही कावेरी रिवर आगे बढ़ती है, इसके ऊपर कृष्णा राजा सागरा डैम है, इसके बाद इसको काबिनी रिवर नीचे से ज्वाइन करती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. उसके बाद यहाँ पर आके और ये आगे बढ़ती है, और इधर मैत्यूर डैम इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन कावेरी रिवर. मैत्यूर डैम जो है वो भी कावेरी रिवर के ऊपर लोकेटेड है. उसके बाद ये आगे जाती है, अमरावती इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर. ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अमरावती जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. अब यहाँ पर आगे ये जाती है, उसके बाद ये कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है. ठीक है, अब एक आपका होमवर्क है. वैसे अभी आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर ये अलग होती है, दो उसमें डिवाइड होती है, दो स्ट्रीम्स निकलती है कावेरी से. उसके बाद आगे फर्दर ये जो दोनों स्ट्रीम से आगे ज्वाइन करती है, जैसे यहाँ पर दो स्ट्रीम निकल रही है कावेरी से, दो स्ट्रीम निकलती हैं. उसके बाद ये फिर से ज्वाइन करती हैं, जो कि एक आइलैंड फॉर्म करती है. आप मुझे उस आइलैंड का नाम बताओ, द नेम ऑफ दैट आइलैंड. कोली डैम रिवर है. इट इज कोली डैम रिवर. कोली डैम एक जो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूटरी होती है उसको कोली डैम बोलते हैं. ठीक है, दूसरी जो होती है वो कावेरी रिवर की तरह ही कंटिन्यू करती है. उसके बाद आगे फर्दर वो दोनों स्ट्रीम्स ज्वाइन करती है एक दूसरे को, जिसके वजह से बीच में आइलैंड फॉर्म होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आइलैंड, उस आइलैंड का नाम क्या है, टेल मी द नेम ऑफ दैट आइलैंड. इसके अलावा जो पेन्नेर रिवर है वो वैसे ही स्मॉल स्ट्रीम्स है, विच वी विल कवर इन द अपकमिंग क्लासेस, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे. पेन्नेर रिवर, पोन्नैयार रिवर, पलार रिवर, वो सारी चीजें हम अपकमिंग सेशंस में कवर करेंगे. ठीक है, जॉग फॉल्स, शिवन समुद्रम फॉल्स, यस. महादाई रिवर से रिलेटेड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, लॉट मोर क्वेश्चंस आर आल्सो देयर. तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. सो वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन हियर. ठीक है, यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं ये सेशन. ओके,
So, जो भी आपके डाउट्स हैं, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक द डाउट्स देयर. और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो प्लीज अटेम्प्ट करना. एक टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर सम ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स टेकन बाय इंडिया एज वेल एज सम ऑफ द इंटरनेशनल एफर्ट्स, उनके बारे में आप मुझे बताना. इसके अलावा वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे, आई गेस इट इज ऑन 7th और इट इज ऑन 12th, 12th या फिर 7th को है. तो स्टे ट्यून्ड, आपको वैसे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग.